हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्याम इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। रिसेंटली मेरे दोस्त से पूछा गया था क्वेश्चन और आंसर, जो कि इस वीडियो में मैंने बताया है, वो पास भी हो गया था। तो आइए हम लोग जान लेते हैं पाँच तरह का कौन सा क्वेश्चन और आंसर है जो कि ये इस वीडियो में हमने बताए हैं, तो 100% गारंटी के साथ पास होना तय है। रिसेंटली मेरे दोस्त ने भी कमेंट करके बताया कि इस पर एक वीडियो बनाइए, और एक दोस्त ने कमेंट किया कि सर जी, आपका वीडियो मैंने 10-5 दिन पहले देख लिया होता तो मैं पास हो जाता। तो देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप नहीं जानते हो तो क्या, बहुत कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम लोग जान लेते हैं कौन सा पांच क्वेश्चन होगा जो कि पूछा जाएगा आपके इंटरव्यू में। पहला क्वेश्चन होगा यूनिवर्सल मोटर क्या है, दूसरा क्वेश्चन होगा फैन में कौन सी मोटर लगाई जाती है, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या अंतर है, चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रांसमिशन किए जाने वाले केबल में कितने प्रकार होते हैं, पांचवा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा डीसी जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, ये सारी बातों हम लोग जानेंगे जो कि आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया हूं, तो वीडियो में आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यूनिवर्सल मोटर क्या है, व्हाट इज यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो आंसर आपको बिल्कुल आसान तरीके से देना, जो कि मैं डिटेल्स में बताया हूं, बिल्कुल आपको डिटेल्स में भी समझाया हूं। तो आपको बोलना है यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा इस तरह का मोटर है जो कि एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट या फिर डीसी यानी डायरेक्ट करंट में दोनों सप्लाई में काम आती है। इसी तरह का मोटर को हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं, ठीक है दोस्त, ये क्लियर हो गया। आपको ऐसे बोलना है, एसी और डीसी दोनों में ये काम आता है, आपको इंटरव्यू में बोलना है। ये एसी में से भी ऑपरेट हो जाएगा और डीसी से भी ऑपरेट हो जाएगा। तो आइए हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। दोस्तों, पहले आप देखे होंगे इस तरह का मोटर आता था, ठीक है, इसमें क्या होता था, सिलेक्टेड स्विच रहता था, यहाँ पे एक बक्स बना रहता था और सिलेक्टेड स्विच रहता था। एसी और डीसी को सेलेक्ट करके, एसी अगर है तो एसी में चालू करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और डीसी है तो डीसी में सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी जो है नया जो वाइंडिंग हो रहा है, इस तरह का वाइंडिंग हो रहा है कि एसी के भी काम चल जाएगा और डीसी से भी सप्लाई से वो चल जाएगा, ठीक है। दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं जो कि आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा, अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या अंतर है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन अर्थ एंड न्यूट्रल। तो दोस्तों, मैंने इसमें आंसर बिल्कुल शॉर्टकट में दिए हैं और डिटेल्स में भी बताए हैं, तो आगे आप देखेंगे डिटेल्स में कैसे हमने बताए हैं। आपको आंसर अगर देना है तो ऐसे देना है, न्यूट्रल एक रिटर्न करंट का मार्ग होता है, अर्थिंग का इस्तेमाल हम इंसानों को सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इसको आगे चल के हम डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। ये जो है एक रिटर्न करंट के मार्ग करता है, जिसको फेस आया तो रिटर्न न्यूट्रल से जाता है, ठीक है। तो कैसे जाता है, इस डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो देख रहे हैं एक 220 सप्लाई है, सिंगल फेस सप्लाई है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने 220 का सप्लाई दिया एग्जांपल के लिए सिंगल फेस का, और यहाँ से आपका फेस गुजर रही है, ठीक है, यहाँ से आपका फेस निकल रही है, ठीक है। ये आपके घर का लोड लोड में जा रहा है, जो कि जो भी हो सकता है, एसी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, जो भी हो सकता है, और यहाँ से रिटर्न, सेम रिटर्न यहाँ से चला जाएगा, तो इसी को बोलते हैं रिटर्न मार्ग, माने रिटर्न करंट का काम करता है ये न्यूट्रल, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं अर्थिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो देख लाइव वायर है, ठीक है, ये फेस है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं न्यूट्रल है, फेस और न्यूट्रल है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो है एक ट्रांसफार्मर से निकल रहा है, और यहाँ पे आगे कनेक्शन हो जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, कोई भी हो सकता है, एसी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है। इसको जो बंदा टच करता है ना जब, तो इसमें जो करंट होती है, जो कि बहुत सारे रहता है, करंट होती है, और देखें ये करंट बॉडी से होकर जमीन में आ जाती है, जमीन से होते हुए ये क्या होता है कि यहाँ से ग्राउंडेड करते हैं, आप घर के ग्राउंडेड करते हैं, तो यहाँ के जमीन में जीरो जीरो हो जाती है, जो कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्टी करंट। घर में जब भी वायरिंग कराएं तो आप अर्थिंग जरूर कराएं, ठीक है, ये न्यूट्रल से भी अर्थिंग कनेक्ट करके दें, ठीक है दोस्त। ये तो क्लियर हो गया आपको अर्थिंग और न्यूट्रल के बारे में। आइए हम लोग जान लेते तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपके इंटरव्यू में। दोस्तों, फैन में कौन सी मोटर यूज किया जाता है, ठीक है, विच मोटर यूज इन फैन, ठीक है। तो आपको बताना है कि फैन में सिंगल फेस इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, ठीक है, और इसको हम इंडक्शन मोटर बोलते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है दोस्त।
आपको बता दूं दोस्त, डिटेल्स में आप जाने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर ले, बेल आइकन बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। दोस्तों डीसी मोटर भी आजकल आ रहा है, ज़्यादातर यूज डीसी फैन हो रहा है, तो डीसी मोटर भी आ रहा है और एसी मोटर तो पहले से था ही। दोस्तों क्लियर हो गया, इंडक्शन मोटर हम फैन में यूज करते हैं। ओके दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, डीसी जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा ईएमएफ उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हम लोग बोलेंगे, जब डीसी मशीन का आर्मेचर स्टेटर के पोल के बीच घूमता है तब यह पोल द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय फ्लक्स को काटता है, जिससे इसके चालकों में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, जब डीसी मशीन एक जनरेटर की तरह कार्य करता है तब इस प्रकार का उत्पन्न ईएमएफ को जनरेटेड ईएमएफ या आर्मेचर ईएमएफ करते हैं। जैसे कि आपको देख रहे दोस्तों, यहाँ पे जो रोटर लगा हुआ ना आर्मेचर, ये बहुत तेजी से घूमता है। ठीक है दोस्त, ये बहुत तेजी से अंदर में घूमता है, ईएमएफ जनरेट होता है, तो इसी को हम आर्मेचर ईएमएफ कहते हैं। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट करो जरूर बेटा ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अगले हम लोग क्वेश्चन जान लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ट्रांसमिशन लाइन केबल के कितने प्रकार होते हैं? टाइप ऑफ द केबल यूज इन द ट्रांसमिशन लाइन। तो दोस्तों अगर लो टेंशन का केबल है तो वो हम 1000 वोल्ट तक का केबल यूज करेंगे, हाई टेंशन का है तो अप टू 23000 वोल्ट तक यूज करेंगे केबल, और सुपर टेंशन है तो उसके लिए अप टू 132 केवी का वोल्ट का हम केबल यूज करेंगे। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल होगा, आपको थोड़ा भी इससे फ़ायदा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।